ओके okay, बच्चों शोइंग कंसर्न कंसर्न का मतलब दिलचस्पी या चिंता ओके okay? दिलचस्पी दिखाते हुए द बॉय आज द बॉम्ब हाउ इट ऑपरेटेड दिलचस्पी दिखाते हुए बच्चे ने पूछा कि ये कैसे चलता है द बॉम गेम नो एक्सप्लेनेशन और बॉम ने कोई भी जवाब एक्सप्लेनेशन का मतलब जवाब ओके okay? या उत्तर देना बॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया बट द बॉय डिड नॉट अंडरस्टैंड अवॉर्ड अंडरस्टैंड का मतलब होगा बच्चों समझना ओके okay? और बच्चे को कुछ कुछ भी समझ में नहीं आया द बॉम प्लीडेड बॉम ने विनती की या प्रीडिट लिसन हेल्प मी गेट आउट ऑफ हेयर मेरी यहाँ मदद सुनो मुझे यहाँ से बाहर निकालो आई एम वेरी अनकम्फर्टेबल अनकम्फर्टेबल का मतलब असहज या असुविधाजनक मैं यहाँ पे बहुत ही असहज हूँ या असुविधाजनक महसूस कर रहा हूँ ओके वाई डू यू वॉन्ट टू गेट आउट आज द बॉय ओके बच्चे ने पूछा कि तुम बाहर क्यों आना चाहते हो ओके द बॉम टोल्ड द बॉय दैट

युद्ध के मैदान तक जाना था टू डिस्ट्रॉय अ टाउन एक शहर को बर्बाद करने के लिए दैट जस्ट लुक लाइक द वन वेयर द बॉय लिव ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वह वह लड़का रहता था ओके देन द बॉय एंसोर्ट लड़के ने उत्तर दिया दैट ही कुड नॉट हेल्प द बम फ्री इट्स सेल्फ बिकॉज तब लड़के ने जवाब दिया कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता टू बॉम्ब फ्री इट सेल्फ वो स्वयं को आजाद करे बिकॉज ही डिड नॉट लाइक वॉट द बॉम्ब डेड ओके तब लड़के ने जवाब दिया कि वह उसकी मदद खुद नहीं कर सकता क्योंकि ही डिड नॉट लाइक वॉट द बॉम्ब डिड उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया जो बॉम्ब ने किया ओके देन द बॉम्ब प्रपोज अ डील तब बॉम्ब ने प्र, प्रपोज का मतलब प्रस्तुत करना ओके okay? तब बॉम्ब ने एक डील का मतलब होता है समझौता एक समझौता प्रस्तुत किया इफ़ यू हेल्प मी गेट आउट ऑफ दिस मड अगर तुम मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालते हो आई विल फुलफिल थ्री विशेष मेड बाय यू मैं तुम्हारी तीन इच्छाएं पूरी करूंगा, ओके तीन विश या तीन विशेष का मतलब होगा कामना करना मैं तुम्हारी तीन इच्छाएं पूरी करूंगा। रिमेंबर याद करो याद रखो आई हैव मच पावर मेरे पास बहुत शक्ति है ओके okay? मेरे पास बहुत सख्तियां है ओके द बॉय स्टॉप टू थिंक अ मूवमेंट एंड फाइनली एंसोर ऑल राइट और लड़के ने थोड़ी देर के लिए सोचना बंद किया एंड फाइनली एंसर और उत्तर दिया और अंततः जवाब दिया ऑल राइट ठीक है बट टू बी श्योर लेकिन एक निश्चित होगा ही ही इंसिस्टेड दैट द बॉम्ब वुड हैव टू प्रोमिस और निश्चित ही उसने बॉम्ब को इंसिस्ट किया या फिर जवाब दबाव डाला दैट द बॉम्ब वुड हैव टू प्रॉमिस की उसे एक प्रॉमिस करना होगा डिक्लेयर अपॉन ओथ एंड गिव इट वर्ड्स ऑफ ऑनर दैट इट वुड नॉट गो टू द वॉर फील्ड डिक्लेयर अपॉन ओथ ओथ का मतलब कसम दिलाई ओके okay? और गिव इट वर्ड्स और उसे कसम खाना और शब्द अपने शब्दों को देना ईमानदारी से वर्ड ऑफ ऑनर ईमानदारी के शब्द देने होंगे दैट इट वुड नॉट गो टू वॉर फील्ड वह युद्ध के मैदान में नहीं जाएगा ओके फर्दर मोर द बॉम्ब हैड टू साइन अंडर ऑल दिस ऑन ए पेपर और इसके लिए उसे एक पेपर पर या कागज पर साइन करना होगा वेयर इट वुड ऑल बी रिटर्न डाउन बाय द बॉय जहां पे यह सब उस लड़के के द्वारा लिखा गया होगा ओके okay बच्चों सो so, that's it for today tomorrow we will continue with the next passage okay so that's it for and for any further inquiry about your subject related topics you can contact on this number and for any other information you can also contact on these numbers now on your screen so students keep learning stay safe and don't forget to subscribe your school youtube channel sumit singh convent school okay bachcho Thank you.